Hello everyone, today we are going to start chapter 3 expansions, class 9th ICSE board. Okay, पहले एक चीज इस वर्ड को देखते हैं, इस वर्ड को देखते हैं कि what is the meaning of expansion. Expansion करना क्या होता है, किसी भी चीज को expand करना. For example, मैंने भी आपके सामने एक छोटी सी बात बोली, I have a car. कौन सी? ये वाली है. कौन सा मॉडल है? ये वाला मॉडल है. कौन सी कंपनी की है? इस कंपनी की है. अच्छा, ये कंपनी कहाँ की है? पता नहीं भाई. मैंने बता दिया, लाइक आई एम हैविंग द ग्रैंड i10 कार जो हुंडई कंपनी की है और जो कि 2017 मॉडल है. ओके, अब आप मेरे से इससे ज़्यादा पूछना चाहें कि सर ये हुंडई कहाँ की कंपनी है, तो सॉरी आई डोंट नो. सर ये इसके अंदर इंजन कितने उसका है, पावर का है, आई डोंट नो. क्यों? बिकॉज आई नेवर एक्सपेंड बियॉन्ड दिस. बस मुझे इतना ही जानना था, इतना ही मैंने जान लिया. क्यों? बिकॉज आई हैव नो इंटरेस्ट इन द टेक्निकल पार्ट ऑफ द कार. ये कौन सी उसकी, हाँ वेरिएंट ज़्यादा से ज़्यादा मैं बता सकता हूँ भाई, पेट्रोल है, डीजल है, बस थोड़ी बहुत बातें हो सकता है, एक दो और बता दूँ. इवन इफ़ यू आर गोइंग टू आस्क मी, सर आप मुझे बताओ आपकी कार के टायर्स में कितनी हवा डलती है, तो आई डोंट नो दिस रीज़न, आई हैव नो इंटरेस्ट. तो फर्स्ट इफ आई टॉक अबाउट द एक्सपेंशन, एक्सपेंशन इज टोटली रिलेटेड टू इंटरेस्ट. आप इस चैप्टर को बड़े मजे से तभी पढ़ पाएंगे अगर आपको चीज़ों को एक्सपेंड करने में मजा आए, है ना. और अगर आपको चीज़ों को एक्सपेंड करने में मज़ा कम आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि इस चैप्टर को पढ़ने में भी मज़ा कम ही आने वाला है. तो हम इस चैप्टर को भी देखते हैं कि एक्सपेंशन हमने किन किन चीज़ों को किया है. बेसिकली हमने पहले कुछ चीज़ें देखी कि ए और बी एक ब्रैकेट के अंदर बंद है और इसकी पावर 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, क्या 4 भी हो सकती है, क्या 5 भी हो सकती है, होने तो हो सकती है, बट एज यू आर इन क्लास 9th और 10th आपको यहीं तक ही पढ़नी पड़ेंगी. तो इन दो के एक्सपेंशंस या इससे आगे जितने भी नंबर होंगे उन सब के एक्सपेंशंस हम आगे पढ़ेंगे. फिलहाल हम केवल एक्सपेंशंस पढ़ेंगे ए प्लस बी के स्क्वायर का और ए प्लस बी के क्यूब का. जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हम सोचेंगे यार इस प्लस की बजाय माइनस भी कर लो, तो हम यानी कि एक्सपेंशन पढ़ लेंगे इसका भी और इसका भी. फिर इसका एक्सपेंशन हम देखते हैं कि यार अगर इसको खोला भी जाता है तो इट इज़ लाइक दिस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो क्या इसको भी एक्सपेंड किया जा सकता है? यस. तो वी विल गेट टू नो द एक्सपेंशन ऑफ दिस. अच्छा, फिर प्लस का आएगा तो क्या माइनस का भी आएगा? यस. तो वी विल गो फॉर द एक्सपेंशन ऑफ दिस. ऐसे करते करते हमारे पास मोर देन 15 एलजेब्रिक एक्सपेंशंस होते हैं. आपकी बुक में 14 दे रखे हैं क्योंकि आपकी बुक में ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब नहीं दे रखा है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है. तो इतने एक्सपेंशंस हमारे सामने हो जाते हैं, बट कॉन्सेप्ट एक है और वो कॉन्सेप्ट समझ लिया ना तो ये 4, 5, 6, 7 वाले भी आज ही कर लोगे. कैसे? ज़रा देखते हैं. अगर मैं आपसे, हो सकता है ये आपको भी पढ़ने के लिए बोर लगे क्योंकि ये आपकी काम नहीं आते, इतनी बेसिक नॉलेज की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको तो सीधे आंसर निकालने हैं, बट फिर भी कुछ बच्चे हैं जो इंटरेस्ट लेते हैं, मुझे अगर ये निकालना है तो देर इज़ ए रूल. अब वो रूल क्या है आप समझो. यहाँ क्या है? यहाँ पावर 2 है. यहाँ पावर क्या है? 2. तो ऑब्वियसली जो टर्म्स आएंगी वो 3 आएंगी, पहली बात. तो अगर पावर 3 होगा तो जो टर्म्स आएंगी वो 4 आएंगी, सही. अब आती कैसे हैं, जरा देखो, ध्यान से देखो. पहले ये एक्सपेंशन इसके साथ जा रही है यानी कि ए स्क्वायर, और फिर ये एक्सपेंशन लास्ट वाले में जा रहा है यानी कि बी स्क्वायर, सही है. अब क्या होगा, ए की एक पावर कम हो जाएगी और बी की एक पावर बढ़ जाएगी. यहाँ ए की पावर 2 है, ए स्क्वायर का मतलब ए की पावर 2 है और बी की पावर यहाँ है ही नहीं, तो बी की पावर यहाँ 0 है. अब अगले में क्या होगा, नेक्स्ट में ए की पावर तो हो जाएगी 1, इसकी तो घट गई, और बी की पावर हो जाएगी 1, इसकी बढ़ गई, तो इसलिए ए की 1 बी की 1 यहाँ क्या आता है, ए बी. इससे अगले में क्या हुआ, ए की पावर फिर घट गई यानी कि ए की पावर 0,
और बी की पावर फिर बढ़ गई यानी कि बी की पावर 2, तो ए की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो इसलिए यहाँ क्या लिखा जाता है केवल बी स्क्वायर। इस वाले केस में देखते हैं, पहले ए का क्यूब आएगा, फिर ए की पावर 2 रह जाएगी, बी की एक पावर आ जाएगी, फिर ए की पावर 1 रह जाएगी, बी की 2 रह जाएगी, ए रह गई नहीं और बी की इतनी आ जाएगी। तो अगर आप नोटिस करो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो, ए की पावर 3, ए की पावर 2, ए की पावर 1, ए की पावर 0, बी की पावर 0 दैट इज 1, बी, बी स्क्वायर, बी क्यूब। अब बात है, चलो सर ये तो हमने फिल कर लिया, वॉट अबाउट द कोफिशिएंट, क्योंकि ये तो फॉर्मूला नहीं होता, दिस इज नॉट द फॉर्मूला। तो फॉर्मूले के लिए हमें किसी चीज़ की हेल्प लेनी पड़ती है, और जिसकी हम हेल्प लेते हैं दैट इज नोन एज पास्कल रूल। उसे हम क्या कहते हैं, पास्कल रूल। बेटा इफ़ यू रियली वॉन्ट टू गो फॉर द IIT और इफ़ यू रियली वॉन्ट टू क्रैक सम एग्जाम लाइक NTSC एग्जाम, KVPI एग्जाम, तो आपको ये सब चीज़ें इसलिए पता होनी चाहिए। पास्कल रूल क्या करता है, इनके कोफिशिएंट प्रिपेयर करता है। जैसे यहाँ इसका कोफिशिएंट क्या होगा, इसका कोफिशिएंट 1 होता है, इसका कोफिशिएंट 1 होता है, इसका क्या होगा, इसका 1 होता है, इसका 1 होता है, इन दोनों के क्या होंगे, तो पास्कल रूल वो कोफिशिएंट प्रिपेयर करता है। एंड स्टार्ट विद 1, 1 के दो पैर बनाओ, फिर लिख लो 1 1। अब इस 1 के भी, ध्यान से देखो, इस 1 के भी दो पैर बनेंगे, जैसे एक ऐसे एक ऐसे, और इसके भी दो पैर बनेंगे, एक ऐसे और एक ऐसे, और ये दोनों मिलके तो ऐड हो जाएंगे, 1 और 1 कितने होंगे, 2। कॉर्नर में हमेशा 1 ही रहेगा, अगेन कॉर्नर में तो 1, यहाँ मिला यहाँ मिला, 1 और 2 3, यहाँ मिला 1 और 2 3। तो आप ये देख रहे होंगे कि कैसे पास्कल ट्रायंगल बढ़ता जा रहा है। अगेन देखते हैं, ये और ये तो 1 ही आने थे, अब एक यहाँ आएगा यहाँ आएगा, तो 1 और 3 4, यहाँ आएगा 3 और 3 6, यहाँ आएगा 4। तो ज़रा ध्यान से देखो, अगर किसी एक्सपेंशन a प्लस बी की पावर n है, तो ये हमने उसके कोफिशिएंट तैयार किए हैं। अगर n की वैल्यू 0 है तो कोफिशिएंट केवल 1 आएगा, 1। अगर n की वैल्यू 1 है तो कोफिशिएंट केवल 1 और 1 ही आएंगे। n की वैल्यू 2 है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कोफिशिएंट आएंगे 1 2 1। n की वैल्यू 3 है तो कोफिशिएंट आएंगे ये, n की वैल्यू 4 है तो कोफिशिएंट आएंगे ये, n की वैल्यू 5 है तो इसके नीचे के कोफिशिएंट आ जाएंगे। तो इस हिसाब से हम निकाल रहे थे a प्लस बी की पावर 2, और 2 पर कोफिशिएंट क्या होता है, 1 2 1, तो भर दो 1 2 1। अब हम 3 के लिए निकाल रहे हैं, तो पहले मुझे याद रखना है a क्यूब, फिर a कम हो गया, b बढ़ गया, a तो स्क्वायर रह गया और b आ गया, फिर a एक कम और रह गया, b एक और बढ़ गया, और फिर b क्यूब। अब कोफिशेंट आखिरी और पहला तो 1 1 ही रहने हैं, 1 और 1 बीच के क्या है, 3 3। ऐसे ही क्लास अगर मुझे a प्लस बी का 4 भी निकालना पड़ जाता, तो पहले तो मुझे पता है कि 5 टर्म आएंगी, आई हैव नो डाउट अबाउट दिस, कि टर्म्स तो 5 ही आनी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब इधर a की पावर 4, इधर b की पावर 4, इनका 1 1 कोफिशेंट है ही, a कम हो जाएगा और b बढ़ जाएगा, a और कम होगा, b और बढ़ेगा, a और कम, b और ज़्यादा, और आखिर में b। अब कोफिशेंट भर लेते हैं, 1 और 1 तो रहना ही है, फिर 4 6 4, तो ये क्या हुआ, ये हमारा a प्लस बी की पावर 4 भी हमने क्लास 9th में निकालना सीख लिया। आई चैलेंज यू, यू कैन आस्क विद क्लास 10th स्टूडेंट्स, वो इस रूल से तो नहीं बता सकता, बता तो देगा आपको मल्टीप्लाई करके a प्लस बी की होल स्क्वायर का होल स्क्वायर करके, टाइम वेस्ट करके, बट विद इन फ्यू सेकेंड्स तो नहीं बता सकता। तो आप ये चीज़ आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीखे होंगे। अब हम इस एक्सपेंशन की अच्छी तरीके से बात करते हैं कि वॉट इज दैट एक्सपेंशन। क्लास ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, जब मैं आपके सामने टर्म की बात करता हूँ, तो हम इसको बोलते ऐसे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। अब अगर यहाँ पे x प्लस वाई आ जाएगा
तो हम बोल देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। यहाँ एम प्लस एन का होल स्क्वायर आएगा तो हम बोल देंगे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस टू एम एन, सिंपल रूल है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे टू ए प्लस थ्री बी आएगा तो हम लिखेंगे टू ए स्क्वायर प्लस थ्री बी स्क्वायर प्लस टू इंटू टू ए इंटू थ्री बी, एंड दैट इज रॉन्ग, टोटल कंप्लीट रॉन्ग। वाई? क्योंकि हमेशा जब आप जो लिखते हैं और जो आप बोलते हैं वो दोनों बातें एक होनी चाहिए। मैंने लिखा कि राम घर जा रहा था, आपने कहा सर लिख के दे दो। अच्छा लिख के दे दूँ, ले बेटा अब लिख के देने में मैंने क्या लिख दिया, ब्रेड पकौड़ी। क्वेश्चन क्या था, राम घर जा रहा था, आप इसको इंग्लिश सेंटेंस करो, कुछ भी करो, तो दोनों चीज़ें डिफरेंट होती, कितना अजीब लग रहा है ना। ऐसे यहाँ पर आपको बोलते हुए ध्यान रखना है, वो बोल रहे हैं वही लिखना है। यू कैन नॉट से टू ए स्क्वायर, वी विल से इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर, बट हेयर ए इज रिप्लेस बाई टू ए, तो टू ए का होल स्क्वायर प्लस थ्री बी का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू टू ए इंटू थ्री बी, टू ए का होल स्क्वायर प्लस थ्री बी का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू टू ए इंटू थ्री बी, एंड दैट्स इक्वल टू फोर ए स्क्वायर प्लस नाइन बी स्क्वायर टू ट्वेल्व ए बी। अब आप में से कुछ बच्चे बेहद इंटेलिजेंट हैं, चाणक्य के बाद आप ही लोग आए हैं, आप क्या करेंगे, फोर ए स्क्वायर में भी नाइन बी स्क्वायर ऐड कर सकते हैं, हो सकता है आपका मन इन्हें भी ऐड करने का कर जाए। तो बेटा इस तरह की हरकत मत करना, लॉकडाउन में कहीं ट्रीटमेंट भी नहीं हो रहा है कोरोना के अलावा, ठीक है, जो कहीं दिखाएं तुम्हें। यू कैन नॉट ऐड ए स्क्वायर टर्म्स विद द बी स्क्वायर टर्म्स, यू कैन नॉट ऐड, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब इसमें ही हम कहेंगे सर ये तो बड़ा कॉमन चीज़ है, हमने पढ़ रखी है बहुत अच्छे से, कुछ क्या मैक्सिमम आ सकता है, कुछ नहीं आएगा मैक्सिमम। जैसे हमने लिख दिया थ्री एक्स माइनस फोर अपॉन वाई का होल स्क्वायर, एज नाउ इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर विच हैज़ द फॉर्मूला ऑफ दिस, तो बस उस टर्म को यहाँ पर एक्सेलरेट कराना है, क्या माइंड को सेट करना है कि वी हैव ए इज इक्वल टू थ्री एक्स एंड बी इज इक्वल टू फोर अपॉन वाई, तो इट बिकम्स ए स्क्वायर, गलत, होल स्क्वायर, इट बिकम्स थ्री एक्स का होल स्क्वायर प्लस फोर अपॉन वाई का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू थ्री एक्स इंटू फोर अपॉन वाई। कुछ बच्चे बड़े दयालु होते हैं, वो कहते हैं कि सर ये माइनस का था तो यहाँ भी माइनस लगाओ, यहाँ भी माइनस लगाओ। नहीं, इस माइनस की वजह से इफेक्ट कहाँ आया, केवल इस माइनस पे, इसके अलावा मैंने दोबारा से यहाँ माइनस पुट कर दिया होता तो प्लस हो जाता, तो माइनस का इफेक्ट केवल यहाँ माइनस दिखाएगा, अदरवाइज कहीं भी इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। अब थ्री एक्स स्क्वायर क्या हो गया, नाइन एक्स स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये होल स्क्वायर था और होल का मतलब होल ही है भैया, सब का स्क्वायर करो, थ्री एक्स इंटू थ्री एक्स करो, तो दैट इज थ्री इंटू थ्री इज नाइन एंड इट्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपॉन वाई का होल स्क्वायर। अब देखो फोर इज वॉट, सिक्सटीन अपॉन वाई स्क्वायर माइनस, क्या इस टू से मैं इस वाई को उड़ा सकता हूँ, नहीं, थ्री से वाई को उड़ा सकता हूँ, नहीं, एक्स से नहीं, फोर से नहीं, तो नहीं उड़ा सकते ना, तो सीधे सीधे पहले नंबर्स की मल्टीप्लाई करो, टू इंटू थ्री सिक्स, सिक्स इंटू फोर ट्वेंटी फोर, एक्स अपॉन वाई, ये आपका सुंदर सा आंसर हो गया। इसी को थोड़ा सा एक्सप्लोर जब हम करते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूलेस तो आपने सारे पढ़े होंगे, और देख लेते हैं अच्छे से। जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर ऐसे भी हो सकता था कि ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन वो आपको इतने आसान क्वेश्चन नहीं देता। वो कैसे देता है, सिंप्लीफाई, अब हम इसकी मल्टीप्लाई करने में लग जाते हैं, वी आर नॉट थिंकिंग कि यार ध्यान से देखें तो 2x माइनस 3y प्लस 5, 2x माइनस 3y माइनस 5, तो इट मींस देयर इज अ कॉमन वैल्यू ऑफ
टूवर्ड्स माइनस थ्री वाई, जो कि दोनों में एक ही पैटर्न से है, पैटर्न मतलब दोनों प्लस माइनस के साथ है। अब उसी में फाइव प्लस हो रहा है और उसी में फाइव क्या हो रहा है माइनस। रूल क्या कहता है, रूल कहता है अगर ए में बी प्लस हो और ए में से ही बी जाए, ए में बी प्लस हो और ए में से ही बी जाए तो इट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ क्या हो रहा है, टू एक्स प्लस थ्री वाई में फाइव प्लस है और टू एक्स माइनस थ्री वाई में फाइव प्लस है और टू एक्स माइनस थ्री वाई में से ही फाइव जा रहा है, तो श्योरली इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री वाई होल स्क्वायर माइनस फाइव स्क्वायर। कुछ बच्चे बातों को बड़ा दिल पे लगा लेते हैं, वो इस फाइव को भी फाइव का होल स्क्वायर ही बोलेंगे, अकेली टर्म पे होल का वर्ड हम यूज़ नहीं करेंगे। तो इट इज़ इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री वाई का होल स्क्वायर माइनस फाइव स्क्वायर। अब इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वॉट, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर यानी कि दिस प्लस बी स्क्वायर यानी कि दिस माइनस टू इंटू टू एक्स इंटू थ्री वाई यानी कि माइनस का इफेक्ट आ चुका है माइनस। ये पूरी टर्म जो मैंने यहाँ ली थी इसी का एक्सपेंशन है अब तक। तो इतना लिखने के बाद कुछ बच्चों को लगता है अरे बहुत लिख लिया अब क्या चलें आगे, और वो इसे भूल जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, जहाँ हमसे गलती होती है हमें उनको ही हाईलाइट करते रखना है कि हम ये गलती कर देते हैं। फोर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन वाई स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स वाई माइनस ट्वेंटी फाइव। इज देयर एनी लाइक टर्म्स, क्या कोई ऐसी टर्म है जो एक साथ एड सब्ट्रैक्ट या कुछ भी हो सकती थी? नहीं नहीं है। तो भैया दैट इज़ द आंसर, आप इसी पे हल्दी चंदन लगा के इसको आंसर के रूप में भेंट कर दें। अब लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है जब हम क्यूब वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। लाइक वी वेल नो कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी, ये वो है जो हमने जुगाड़ किया। एक जो एक्चुअल होता है वो होता है ये थ्री ए स्क्वायर बी थ्री ए बी स्क्वायर बाई बी क्यूब, ये वो है जो एक्चुअल फार्मूला बन के आता है बाई यूजिंग द पास्कल रूल। तो हम तो अपने हिसाब से चलेंगे विच इज़ कम्फर्टेबल फॉर अस, हम उसी को यूज़ करेंगे, देन वी विल एक्सपेंड इट इन द फॉर्म ऑफ दिस। अब जैसे छोटा सा क्वेश्चन है टू ए प्लस थ्री बी का होल क्यूब, नॉट एन इशू, हमें पहले इन दोनों का क्यूब करना है। तो टू ए का क्यूब प्लस थ्री बी का क्यूब, गलत, क्यों, क्योंकि वी हैव टू टेक केयर ऑफ द ब्रैकेट्स। टू ए का होल क्यूब प्लस थ्री बी का होल क्यूब प्लस थ्री इंटू टू ए इंटू थ्री बी इन द ब्रैकेट अगेन इट इज इक्वल टू टू ए प्लस थ्री बी, दैट इज द परफेक्ट एक्सपेंशन, परफेक्ट एक्सपेंशन। इसी तरीके से लिखना है। अब इट इज इक्वल टू वॉट, एट ए क्यूब, इट इज इक्वल टू वॉट, ट्वेंटी सेवन बी क्यूब, इट इज इक्वल टू वॉट, थ्री इंटू टू सिक्स, सिक्स इंटू थ्री एटीन ए बी टू ए प्लस थ्री बी। एट ए क्यूब प्लस ट्वेंटी सेवन बी क्यूब मल्टीप्लाई करूँ थर्टी सिक्स ए स्क्वायर बी फिफ्टी फोर ए बी स्क्वायर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इनको क्यूब्स को करते हैं। अभी अगली वीडियो देखते हैं।